तो अभी दीदी डाल रही है सांबर मसाला। सांबर सांबर में हम लोग डाल रहे हैं नींबू, क्योंकि तो थोड़ा खट्टा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इमली अच्छा नहीं होता है, काफी गर्म था। खरीदारी कर रहे हैं, आलू लगा रहे हैं उसमें। पहले का जो बना हुआ है उसमें आलू देखिए, ऊपर से जो मटेरियल है वो सब। एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल श्रीकास। आई होप आप से बहुत अच्छा हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। अभी भी मेरे थोड़ा थोड़ा सर्दी है, गया नहीं है और मुझे पता है क्योंकि सुबह नहा लेती हूँ इसी वजह से, तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। फिलहाल तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं डोसा बनाने का। तो मैंने डोसा का जो ये था वो मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा दीदी पीसी थी, इसका मैंने ये बन के हो गया है तैयार डोसा इडली जो भी हो बैटर। और यहाँ पे सांबर के लिए दाल चढ़ गया है, दाल चढ़ा दिया गया, सब्जी भी कटिंग कर लिया गया हुआ है। ये रहा गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज और आलू। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत बीट्स है, एक मसाला है थोड़ा। सब कुछ तैयारी है, बस इसमें टाइम नहीं लगता है डोसा। फटाफट आप सिर्फ बैटर बना लो, फटाफट बनाते जाओ। सिर्फ आलू में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और सांबर में टाइम लगेगा। तो जो भी होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाते रहूंगी। वैसे तो सांभर का रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया हुआ, पर मेरी ननद बना रही है तो उनके तरीके का बनेगा सब कुछ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सब। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा है अभी, ठंड का मौसम मतलब इतना ज़्यादा। इस बार छठ पूजा में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाला है सुबह सुबह, तो और बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाला है, तो इसीलिए पहले से सब कुछ करके रखना होगा। चादर वगैरह लेके ही जाना होगा इस बार, मतलब अपने हेल्थ के साथ कुछ ये नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो पता है मैंने आज सोफा कवर वगैरह सब धुला हुआ है, ये रहा, और टेबल क्लॉथ भी और बेडशीट वगैरह सब कुछ धुल लिया है। तो उसको लगाना बाकी है, तो मिस्टर भगत आएंगे तो उनको बोलूँगी लगाने के लिए। और इसका भी कवर ठीक से दो आदमी पकड़ के लगाने से ना सही होगा। तो अभी वेट करती हूँ, दीदी गई है ऊपर संजावती करने, वो अपना पूजा वगैरह करती हूँ, करके आई इसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ। तो ये सुबह का मॉर्निंग का जो है ये रिकॉर्ड मैंने किया था। तो यहाँ पे हम लोग दाल को पीस रहे थे, दाल चावल को मैंने दीदी को पकड़ा दिया कि आप थोड़ा पीस दीजिए, इसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड कर लूँ, फिर मैं पीसूँगी। तो मैंने सारा पीस के रख लिया था। और इसका बैटर पहले सांभर के लिए मसाला तैयार हो रहा है, वेजिटेबल का सारा। तो यहाँ पे दीदी डाल रही है हींग एक चुटकी, यहाँ पे आलू हम इसको छीलेंगे, और भिगा हुआ है ये मेथी, यहाँ मेथी, सरसों और लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च। यहाँ पे वेजिटेबल्स सो जाएगा, पहले बनेगा सांभर। हमारा सब्जी फ्राई हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे सांबर के लिए दाल बन के तैयार हो गया है। अब आलू, थोड़ा सा आलू कम हो गया था इसलिए इसको फिर से उबाल के आलू इसमें ऐड करेंगे। और इसमें बीट है ये, इसलिए ऐसा कलर दिख रहा है। तो अभी दीदी डाल रही है सांबर मसाला, मेरा सांबर मसाला। सांबर मसाला के बिना तो अधूरा है, इसलिए बहुत सारा हाँ। पहले नहीं दिए थे दाल में इसलिए इतना सारा दे दिया। अच्छा लगता है सब कुछ, यही तो होता है। इसके बाद ये सारा उसमें डाल देंगे, थोड़ा सा चीनी, सांबर चीनी का नहीं होने वाला। हाँ गुड़ भी था, चीनी दे दिए, हल्का मीठा करेंगे और नींबू भी डालेंगे देंगे उसमें। हाँ थोड़ा खट्टा मीठा होता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। मेरा ये तैयार हो चुका है, इसको डाल देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ रहता है मसाला, इसको ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। सांबर मसाला दाल आलू का बनता है ना। और यहाँ पे मैंने आलू सारा गुद्दी मतलब सान दिया हुआ आलू रहा, और आलू
साथ आलू बना। ये गया इसका बना हुआ सारा वेजिटेबल वाला। इसमें सांबर, मतलब ये सांबर हो गया। सबका तरीका होता है अपना अलग अलग बनाने का, तो बहुत लोग अलग टाइप से बनाते होंगे। और अब सांबर में हम लोग डाल रहे हैं नींबू, क्योंकि थोड़ा खट्टा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इमली अच्छा नहीं होता है इसीलिए। हाँ, और यहाँ पे इमली आप लोगों को तो पता है, मैंने जो पहले ब्लॉग देख चुके हैं मैंने उन लोगों को बताया था। एक दिन मैं जब बना रही थी सांबर तो इन्होंने इमली ला कर मुझे दिया, जैसे पूरा कीड़ा था उसके अंदर, इसलिए उस दिन से इमली नहीं मंगवाती। इमली सेहत के लिए ठीक भी नहीं है, नींबू अच्छा है। और अब इसको सीटी लगाया जाएगा, है ना। थोड़ा नमक भी डालना पड़ेगा, खट्टा ना हो तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब हमारा बनने जा रहा है मसाला, आलू का जो मसाला होता है, भूसा का मसाला है वो। और यहाँ पे सांबर एक बार और थोड़ा सीटी लगेगा, इसके बाद फिर बन जाएगा ना। इसमें जा रहा है सरसों का तेल। हाँ, तो इसमें डाले सरसों का तेल मसाला बनाने के लिए, आलू मसाला। ये गर्म होने के बाद इसमें डाला जाएगा सरसों और सूखा लाल मिर्च और आलू। यहाँ पे जा रहा है आलू लाल लाल हेल्दी आलू, बीट वाला थोड़ा सा दूध पाकुड़। इसमें कच्चा प्याज वगैरह डालेंगे? अभी नहीं डालेंगे, उसमें जब बराबर ना बनाएंगे तो। है लहसुन, मिर्चा और अदरक का पेस्ट, ये डाल देते हैं दोनों एक साथ मिलाते हैं तो ये कुछ थोड़ा अलग अलग बनेगा। लेकिन आलू मैं ऐसा वाला नहीं खाया, अच्छा नहीं। ये धीरे धीरे इस तरह फ्राई होगा, उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा। और अब यहाँ पे डाल नमक, हल्दी, नमक, बस अब इसको फ्राई किया जाएगा। और यहाँ पे डोसा का बैटर बहुत अच्छा बन के तैयार हो चुका है, फूल भी गए हैं बहुत अच्छा से। अगर ये बच, मतलब बचाने की कोशिश नहीं, अगर बच जाता है तो कल सुबह इडली बनेगा, इडली बनाऊंगी। इडली में बहुत अच्छा बनता है, सांबर वगैरह तो बच ही जाएगा ये सब, तो इडली बनाने को। दीदी डोसा बनाना कर दिए शुरू, और अभी ये पूछिए बैटर। हाँ, डोसा का बैटर। अच्छा, डोसा का बैटर इसको तवा पे दे रही है, ये जा टूट रहा है। नहीं टूट रहा है, ठीक हो गया। कच्चा कैसे टूटी, काफी गर्म था। इसमें इधर ही कर रहे हैं, आलू लगा रहे हैं उसमें, पहले का जो बना हुआ है उसमें आलू देखिए ऊपर से जो मटेरियल है वो सब डाल रहा है। तैयार है चोखा, सही कहा भाई, क्या होता है सांबर, ये रहा सांबर गरम गरम। दूधी दीदी बना रही है, निकल रहा सांबर गरम गरम, मोटा नहीं हो गया है? नहीं, कितने का डोसा बन रहा है। और मम्मी पापा लोग खा लिए हैं, आप लोग नहीं खाए थे लोगों का बाकी, तो अभी कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे अभी डोसा निकल गया है और सांबर को गरम किया जा रहा है, जम गया है। मेरा निकल गया है, खाएंगे और करते हैं एंजॉय। आप अभी नहीं खाइएगा, कहे उनको देने दीजिए ना, आप फोटो नहीं खींच लीजिएगा, बनाते अभी बनाते हैं फोटो। ओके
हे गाइस, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद है ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। और दिवाली भी आ गया है तो बहुत सारा ब्लॉग्स आएगा, तो ये अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए बाय। आज के लिए इतना, डोसा बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। हम लोगों ने सुबह भी उसका मतलब कि नेक्स्ट डे हम लोगों ने इडली बनाया, तो वो ब्लॉग आएगा अलग से। तो बस आज के लिए बाय।